कहाँ पे कैसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहाँ से आता है जहाँ पे भी सप्लाई या डिमांड हो मतलब जो डिमांड है वो सप्लाई में कन्वर्ट uh, हो सकती है और जो सप्लाई है वो डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पोलॉरिटी अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो इसके अराउंड ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के स्टडी में हमने कई सारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेज देखे आज के वीडियो में हम पी एंड एफ़ के बेसिस पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टूल देखेंगे वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी लॉजिकल क्योंकि पी एंड एफ चार्ट अपने आप में एक वर्टिकल प्लॉटिंग सिस्टम है और साथ में नॉइजलेस चार्ट्स हैं तो जब भी प्राइस मूव होता है तब तो वो चार्ट प्लॉट होते हैं तो इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इट बिकम्स वेरी ऑब्जेक्टिव एंड लॉट ऑफ ट्रेडिंग सेटअप्स कैन बी बिल्ट अराउंड दिस सेटअप मैं कुछ थॉट्स दूंगा इसके बाद कि कहाँ पे कैसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे देख सकते हैं बेस्ड ऑन टूडेज सपोर्ट रेजिस्टेंस वीडियो अगर आप मेरे न्यूज़ लेटर के साथ नहीं जुड़े तो जरूर से जुड़िए लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन मैं हर हफ्ते इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लिखता हूँ और मैं उसको ई मेल डिलीवर कर देता हूँ एंड इट्स कंप्लीटली फ्री तो आज ही मेरे न्यूज़लेटर के साथ जुड़िए तो आज हम ये कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं विच इज़ एंकर सपोर्ट अब एंकर के बेसिस पे जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एंकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल एंकर का मतलब क्या है कि पंद्रह या पंद्रह से ज्यादा बॉक्सेस एक ही डायरेक्शन में बने मतलब पंद्रह एक्स या पंद्रह से ज्यादा एक्स इन वन कॉलम इट इज़ नोन एज एंकर कॉलम इसका एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट है बेरिश एंकर कॉलम पंद्रह या पंद्रह से ज़्यादा ओस इन वन डायरेक्शन एक ही कॉलम में बन जाते हैं तो इट इज़ नोन एज बेरिश एंकर कॉलम बट ये सिर्फ एंकर कॉलम की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ पंद्रह एक्स या पंद्रह ओस हैं बट अगर हम इसको ये मान लेते हैं कि अगर बीस एक्स या बीस ओस एक ही डायरेक्शन में बन जाए तो हम ये सिग्निफाई या तो ये डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मोमेंटम है अपने आप में एंकर कॉलम तो स्ट्रांग एक मोमेंटम बताता ही है बट अगर हम उसके साथ एक और रूल डाल देते कि कम से कम ट्वेंटी बॉक्सेस बन जाए तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम आ रहा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहाँ से आता है जहाँ पे भी सप्लाई या डिमांड हो क्योंकि सप्लाई जैसे ही कंप्लीट हो जाती है पूरा जो सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो प्राइस एकदम से शार्प फॉल करता है विच द शार्प फॉल ऑन पी एंड एफ चार्ट इज़ डिफाइंड थ्रू एंकर कॉलम्स तो बहुत सिंपल सी चीज़ है वैसे ही डिमांड कहाँ पर जनरेट होती है जब थोड़ा सा एक्यूमिलेशन हो जाए और एक्यूमिलेशन के प्राथ, बाद प्राइस एकदम से स्ट्रोंग राइज करे तो हम इसको बोलते हैं कि वहाँ से जहाँ पे डिमांड है वहाँ से एक स्ट्रॉग एंकर कॉलम बन जाता है सो इट इज़ वेरी टेक्निकल एंड इट्स वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड कि 20 कॉलम्स बन गए 20 कॉलम जैसे ही बन जाते हैं उसका जो लो होगा अगर एंकर कॉलम है तो उसका लो जो है वो डिमांड रिफ्लेक्ट करेगा अब मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की अब इसको पहले हम एक बार चार्ट्स पे समझते हैं उसके बाद मैं आपको मेरे ऑब्जर्वेशंस बताता हूं अब सिंपल सी चीज है हम चले जाते हैं वन परसेंट के चार्ट पे एंड यू प्लॉट एंकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो यहां पे ये एंकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने प्लॉट कर लिया सिंपल है आप पैटर्न में चले जाओ और यहां से एंकर सपोर्ट प्लॉट कर दो सोल दिस विल गेट प्लाटेड अब सिंपल सी चीज क्या है कि अगर बीस से ज्यादा एक्स जैसे अगर हम यहां पर देखेंगे तो बीस से ज्यादा एक्स अगर प्लॉट हो गए अभी ये कॉलम में 32x प्लॉट हुए तो जैसे ही थर्टी मतलब 20 से ज़्यादा प्लॉट हो गए तो इसका लो जो है यहाँ से हम मार्क कर देंगे अ लाइन विच इज़ नोन एज एंकर सपोर्ट लाइन क्योंकि एंकर से फॉर्म हुई है एंकर अपने आप में मोमेंटम इंफॉर्मेशन देता है अब इसके बाद अगले इसमें चलते हैं कि ये एक एंकर कॉलम है एक सपोर्ट लाइन है फिर एक एंकर कॉलम है यहाँ पर और नीचे सपोर्ट लाइन बन गई अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर प्राइज कम टू दिस लेवल एंड अगेन बाउंसड अगेन एक एंकर पॉइंट एंकर मिल गया और उसका एक लाइन है फिर एक और एंकर बन गए यहाँ पर एक और एंकर बन गए इसको थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और बैरिश एंकर देखते हैं तो यहाँ पे बीस से ज़्यादा बॉक्सेस बन गए तो एक एंकर लाइन बन गई अब जहाँ पे ये लाइन बनी इसमें सारे रूल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के एप्लीकेबल हैं कि जहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी के जगह पे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस रेजिस्टेंस इज़ नाउ एक्टिंग एज सपोर्ट ये जो क्लासिकल रूल्स हैं ऑफ़ सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्टिंग इज आल्सो वैलिड योर अगर हम उसी के आसपास के रेंज में फॉर्म होते रहते हैं अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट की तरह काम करने लगे फिर वापस से रेजिस्टेंस काम कर रहा है फिर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है मतलब ये एक लाइन जो है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है सो प्रीवियस रेजिस्टेंस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ लेट एस गो वन स्टेप फॉरवर्ड एक तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल हो गई कि जहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वहाँ से सपोर्ट बन सकता है मतलब अगर एक बेरिश लाइन है मतलब एक ये जो बैरिश लाइन में एक बेरिश रेजिस्टेंस बन गया है वहां पे एक सपोर्ट डिमांड बन सकती है ठीक है एक सिंपल फर्स्ट रूल इज प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिल सकता है अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप ऑब्जर्व करिए और इसको हम मल्टीपल चार्ट भी देखेंगे कि जहां पर भी ये जो एंकर सपोर्ट पॉइंट बना है ठीक है ये एंकर सपोर्ट बना है उसके पहले फॉर्मेशन देखिए दे इज अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय अ बेर ट्रैप गेटिंग फॉर्म्ड अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करते हैं इस पॉइंट पे तो एक डबल बॉटम सेल और डबल टॉप बाय बेल ट्रैप वेरिएशन पैटर्न बना है यहां पे ऑब्जर्व करते हैं डबल बॉटम सेल एंड देन अ डबल टॉप बाय एक बेल ट्रैप वेरिएशन पैटर्न बन चुका है सो एवरी एवरी टाइम व्हेन अ बुलिश सपोर्ट इज गेटिंग फॉर्म जैसे कि यहाँ पे एक ट्रैप पैटर्न बन गया ओज एट सेम लेवल एंड अ डबल टॉप बाय अगेन ट्रैप वेरिएशन की कंडीशन में फॉलो हो रहा है दिस इज अ ट्रैप पैटर्न गेटिंग फॉर्म दिस इज अ ट्रैप वेरिएशन गेटिंग फॉर्म्ड मतलब जब कभी भी एक एंकर कॉलम बनने वाला हो या एंकर सपोर्ट बनने वाला हो उसके बाद बहुत बार ये प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे ट्रैप पैटर्न मौजूद हो ट्रैप पैटर्न एंकर को बर्थ देता है ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चल रही है सिमिलरली अगर हमने बुलिश साइड पे देखा तो बैरिज साइड पे भी इस ये लॉजिकल होना चाहिए अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं मैं आया हूँ लेकर टी एन टी वन मेंबरशिप जहाँ पे आप मेरे से कैंडल स्टिक रैंको एंड पी एन एफ चार्ट सीख सकते हैं हम हर हफ्ते मिलकर वीकली एनालिसिस करेंगे हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू टी एन टी वन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन इसका मतलब यहां पे अगर हम देखते हैं सेट सेम लेवल एंड देन ए डबल बॉटम सेल विच इज़ बुल ट्रैप वेरिएशन पैटर्न क्योंकि एक सेट सेम लेवल है एंड डबल बॉटम सेल या तो एक सेट सेम लेवल और एक डबल टॉप बाय और फिर डबल बॉटम सेल मिलता है तो भी हम उसको ट्रैप में कंसिडर करते हैं ट्रैप पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है मैं आई बटन में छोड़ दूंगा आप उसको चेक कर सकते हो एंड यू विल गेट सम अंडरस्टैंडिंग देर इफ यू ऑब्जर्व योर दिस इज अ बेरिश रेजिस्टेंस बेरिश एंकर बना और उससे पहले अगर हम पैटर्न देखेंगे तो डबल टॉप बाय एंड अ डबल बॉटम सेल अ बुल ट्रैप पैटर्न गेटिंग फॉर्म दैट मीन्स द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज कि जहाँ पे भी अगर बैरिश लाइन बनी है बरिश रेजिस्टेंस है तो उसके आसपास में फिर से एक बेल ट्रैप पैटर्न बनेगा अगर वो बेल ट्रैप में पार्टिसिपेट करते हैं तो बुलिश एंकर में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं अगर हम वैसे ही ऑब्जर्व करें कि ये जो भी बैरिश पैटर्न है उसके आसपास में ही वापस एक बेल ट्रैप पैटर्न बन गए सो इधर ही अगर हम ऑब्जर्व करें डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय बेल ट्रैप वेरिएशन पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड यहां पे ऑब्जर्व करते हैं एक बेरिश रेजिस्टेंस बना इसी के लाइन में वापस से एक बेल्ट ट्रैप पैटर्न बना मतलब बुल ट्रैप गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ ट्रैप पैटर्न प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी और वो बर्थ किसको दे रहा है एंकर कॉलम को और एंकर कॉलम की वजह से आपको एंकर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहे हैं ये एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो आपको ऑब्जर्व करना है अगेन कि वेन जैसे यहां पर एक रेजिस्टेंस है कि दिस इज़ एन एंकर रेजिस्टेंस उसी के आसपे में डबल बॉटम सेल और डबल टॉप बाय बेयर ट्रैप वेरिएशन पैटर्न गेटिंग फॉर्म अब ये एक चार्ट है कि इसको हमने ए बी बी के चार्ट पे देखा वैसे हम रैंडमली एक और चार्ट ओपन करते हैं लेट से मैं चले जाता हूँ अपोलो टायर्स पे और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं इसी पैटर्न को इसी टॉपिक को कि क्या पैटर्न्स बन रहे हैं अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो देर इज़ अ डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल विच इज़ गिविंग बर्थ टू एन एंकर कॉलम और बीस कॉलम से ज़्यादा है तो एक रेजिस्टेंस बन गया और ये रेजिस्टेंस जो है इसी के पास में एक सपोर्ट एरिया भी बन गया तो हमारा जो पहला रू पहला एक ऑब्जर्वेशन था कि प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी एंकर पॉइंट्स मतलब जो हमने एंकर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा उसके हिसाब से चलते हैं तो ये चल रहे हैं दूसरी कंडीशन जो हमने ऑब्जर्व की दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था कि जहाँ पे भी ये बेरिश रेजिस्टेंस जहाँ से शुरुआत हो रहा है उसके आसपास में ट्रैप होगा वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं देन देर इज अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय गिविंग बर्थ टू एन एंकर कॉलम और ये एंकर कॉलम बहुत क्लोज है अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं और इसको बॉक्सेस में देखते हैं सो दिस आर 18 बॉक्सेस सिर्फ अगर दो एक्स और बन गए होते तो ये 20 कॉलम का एंकर कॉलम बन गया होता और इधर ही लाइन आ गई होती बुलिश लाइन ठीक है बट अगर हम ऑब्जर्व करने जाए तो ये जो बुलिश एक बुल ट्रैप था वो बेल ट्रैप में कन्वर्ट हो गया एक जो रेजिस्टेंस था वहीं के आसपास में एक बेल ट्रैप बन गया विच इज़ गिविंग अ बुलिश मूव इसके बाद ऑब्जर्व करते हैं अगेन सिमिलर रीजन में यहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं तो वी सो अ रेजिस्टेंस लेवल ही अगर इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते तो यहाँ पर एक बुलिश सेंटिमेंट आ गया कि यहाँ पर सपोर्ट डेवलप हो गया एट द सेम प्राइस अगर वैसे ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस भी कन्वर्ट हो गया वो ब्रेक हो गया अगेन सिमिलरली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है सिमिलर इसी पॉइंट पे सपोर्ट बन गया फिर इवेंचुअली यहाँ पे भी एक मतलब आसपास में जहाँ पे ये रेजिस्टेंस है सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया एग्जैक्टली सिमिलर लाइन्स में फॉर्म हो गए मतलब जहाँ पे प्रीवियसली एक सपोर्ट था रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया और फिर वहाँ से सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया सो दिस मेक्स इट वेरी ऑब्जेक्टिव एंड वेरी क्लियर कि एंकर पॉइंट्स या एक एंकर कॉलम है वहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की जा सकती है रूल सिंपल है कि 20 से ज़्यादा एक से ओस होंगे उसका बॉटम जो होगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इन फ्यूचर प्राइज अगर वहाँ पर आता है तो शायद वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे और अगर ब्रेक हो जाता है तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी की तरह काम कर सकता है मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो इस पॉइंट पे ब्रेक हो गया और उसके बाद इसने सपोर्ट एस्टेब्लिश कर लिया एट दिस पॉइंट इसका मतलब कि जहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो बेटर रैप पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी होती है अगर हम ये सिर्फ दो की ऑब्जर्वेशन से कि अ सपोर्ट कैन गेट कन्वर्टेड इन अ सप्लाई मतलब जो डिमांड है वो सप्लाई में कन्वर्ट हो सकती है और जो सप्लाई है वो डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो इसके अराउंड ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं कि जब कभी भी ये जो बैरिश आपका जो रेजिस्टेंस है अगर वो जब भी ब्रेक हो जाता है उसके बाद ट्रैप पैटर्न बनता है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिमिलरली अगर एक बुलिश लाइन है अगर वो ब्रेक हो जाती है अगर हम यहाँ पे देखें कि बुलिश लाइन है वो ब्रेक हो गई फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बाय पैटर्न बना डबल बॉटम सेल पैटर्न बना एक बुल ट्रैप पैटर्न बन गया और उसके बाद प्राइस गिरा मतलब बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी वी कैन ट्रेड एक ट्रेड सेटअप बन सकता है उसके साथ में हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पार्टिसिपेट कहाँ करना है तो बुल ट्रैप और बेल ट्रैप पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी लाइन ब्रीच हुई उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं सो लॉट ऑफ ट्रेडिंग सेटअप्स कैन बी डेवलप्ड अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मैंने आपको एक 10-15 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की बट अगर हम यही कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करता हूँ मेरे मंथली वेबिनार्स में विच इज़ पार्ट ऑफ टी एन एक मेबरशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज का जो कैंडल पॉइंट एंड फिगर रेंको पे मैंने बनाए हुए और डिटेल्ड कोर्स ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी आवर्स ईच कि 25 घंटे का कैंडलस्टिक का स्टडी है 20 घंटे का कुछ रैंकों का स्टडी है और कुछ 20-25 घंटे का पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स का स्टडी है तो दिन इट गेट एक्सेस टू तो ऑल द रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स प्लस एवरी मंथ वी मीट टू तो डिस्कस सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट और आप ये सोचिए दस मिनट में आपको इतना समझ में आ गया वी आर गोइंग तो टू डिस्कस एट लेंथ मे बी वन वन एंड हाफ आवर टू आवर्स ऑफ वेबिनार वेर वे वी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग सिस्टम बेस्ड ऑन इट वी मूव फर्दर एंड ट्राई टू बिल्ड अ स्कैनर अराउंड इट तो काफी सारी चीजें हम उसमें करते हैं तो अगर आप टी एन टी वन का पार्ट नहीं है तो आज ही जुड़िए एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो में से क्या पसंद आया हाउ डिड यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और अगर आप मेरे न्यूज लेटर नहीं जुड़े तो जरूर से जुड़िए बिल्कुल भी फ्री है पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का वीकली मार्केट एनालिसिस द डिस्क्रिप्शन